दोस्तों अगर आप भी UPVRS की टीम को खतरनाक टीम मानते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे WPL के बीच RCB वर्सेस UP टीम के बीच एक मुकाबला खेला गया, जिसमें UPVRS की टीम ने RCB को बुरी तरह धोया। 10 विकेट से ये T20 मैच जीता और WPL की पॉइंट टेबल में अपने अंक उड़ाए। दोस्तों जैसे देख RCB के कप्तान वुमेन्स टीम के कप्तान के खिलाफ RCB टीम के मेंस कप्तान विराट कोहली बौखला गए। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुना हर कोई दंग रह गया, स्मृति मंदाना सवाल उठने लगे। दोस्तों हम आपको पूरे वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ RCB वर्सेस UP वर्सेस के बीच का पूरा हाईलाइट दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो बने रहें, हम तक देखें। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों RCB कप्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, इसमें ओपनिंग संभाली स्मृति मंदाना और डिवाइन ने। दोस्तों RCB टीम की तरफ से शुरुआत बहुत अच्छी रही, डिवाइन ने 36 रन की पारी खेली पर स्मृति मंदाना एक बार फिर फ्लॉप रही। अभी तक पूरे WPL के सीजन में स्मृति मंदाना फ्लॉप रही हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों पहली विकेट गिरी RCB 29 रन के स्कोर पर। दोस्तों उसके बाद पैरी और डिवाइन ने पारी संभाला और 72 रन के स्कोर पर जाके RCB की दूसरी विकेट गिरी। दोस्तों उसके बाद तो RCB के विकेट का पतन होता रहा और RCB की टीम मात्र 138 रन पर खड़ी हो गई। RCB टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा UPVRS टीम सबसे ज़्यादा विकेट लिए एसिलोस्टोन ने 4 विकेट लगाए और दीप शर्मा ने 3 और साथ ही साथ गायकवाड़ ने 1 विकेट लगाया। RCB टीम मात्र 138 रन बना पाई 19.30 ओवरों में, जब RCB टीम खड़ी हो गई। दोस्तों उसके बाद पारी की दूसरी पारी की शुरुआत की UPVRS टीम की तरफ से। UPVRS टीम शुरुआत की देविका वालिया और एलियासी हेली ने। दोस्तों जैसे ही UPVRS टीम शुरुआत हुई इन दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चौके छक्के से शुरुआत की। सबसे ज़्यादा हेली ने 47.96 रन की पारी खेली और UPVRS टीम की खिलाई 18 चौके 1.9 छक्के के साथ ही। वहीं वालिया ने 36.36 रन की पारी खेली और RCB टीम को लगातार ये चौथी हार है। दोस्तों जैसे देख विराट कोहली बौखला गए, उन्होंने अपने बयान में कहा RCB टीम अगर कोशिश करे तो जरूर जीत पाएगी। तो RCB टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाजी निकास नहीं कर पा रहे। मात्र पैरी की छोड़ी जिन्होंने 52 रन की पारी खेली, एस डिवान थोड़ी चलो थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है 36 रन की पारी खेली और आहूजा वगैरह और नाइट वगैरह कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं जो 70 की पारी खेल पाए या 50 लगाएं। स्मृति मंदाना पूरे सीजन में फ्लॉप नहीं है, अगर RCB टीम चाहे तो जरूर कोशिश करे तो ये जरूर WPL में मुकाबला जीत पाएगी। RCB टीम के अंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों फ्लॉप रही हैं, तो हमें अनुमान है RCB टीम अगले मुकाबले में जरूर जीत लाएगी।